माननीय रामदास अठावले जी, उपसभापति महोदय, आरक्षण का जो विषय, आरक्षण का विषय अपना संवैधानिक विषय है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और महात्मा गांधी जी में पुनः पैक्ट हुआ था। बाबा साहब ने अंग्रेजों के टाइम पर सेपरेट एलोटेड मांगा था, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इसका विरोध किया था और हिंदू समाज में फूट नहीं होनी चाहिए, इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा गांधी में समझौता हुआ और पुनः पैक्ट हुआ था। उसमें रिजर्वेशन देने का प्रावधान किया गया था। बाद में संविधान सभा में मतलब आरक्षण लागू हुआ है और संविधान ने 15% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लिए, 7.5% आरक्षण आदिवासी के लिए दे दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट का कैसा बोल सकता है कि भाई राज्य सरकार अपने मन से करे, वो चाहे तो करे ना चाहे तो करे, मतलब ये अन्यायकारक निर्णय है। इसीलिए रिजर्वेशन को 9 शेड्यूल में डालना चाहिए और सरकार हमारी रिजर्वेशन को सपोर्ट करने वाली है। नरेंद्र मोदी जी ने रिजर्वेशन का सपोर्ट किया है, अटल जी की सरकार थी तब भी सपोर्ट हुआ है और हमारे मोहन भागवत जी मतलब उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो सरकार मतलब कांग्रेस पार्टी हमारे साथ ही है, इस विषय पर कोई भी पार्टी विरोध नहीं करेगी। इसके संबंध में सरकार ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल और उसमें जो रिक्रूटमेंट जो रिजर्वेशन है उसके संबंध का जो बिल है अमेंडमेंट का आना चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी को भी मिलने वाले हैं और मतलब हमारी सरकार रिजर्वेशन का पूरा सपोर्ट करती है, आपका सपोर्ट रहेगा। धन्यवाद, बिल पास हो जाए। धन्यवाद, धन्यवाद। माननीय भूपेंद्र यादव जी, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड प्लीज। सर्वोच्च न्यायालय नेम्स एंड नाउ नो मोर न्यू नेम्स हैव टू बी इंटरटेन, नो प्लीज। I know. You will get opportunity in budget. You speak, please. Sir, I know. I respect for Periyar sahab. Nothing is going on record, please. Sir, सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया है और इस सदन के लिए एक संवेदनशील विषय बना है, ये ठीक है। इस निर्णय की पृष्ठभूमि ये है कि 2012 में उत्तराखंड में जो कांग्रेस की सरकार थी उनके कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था और उसी निर्णय को उच्च न्यायालय में और सर्वोच्च न्यायालय में चैलेंज किया गया था जो कांग्रेस के सरकार के समय में लिया गया था। लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से ये भी कहना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और आर्थिक रूप से गरीब वर्ग है उनके आरक्षण पर किसी प्रकार का कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है, वो आरक्षण सुरक्षित है, पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि जो क्वांटिफेबल जो डाटा के लिए जो मैंडमस का विषय है उस तक ये जजमेंट लिमिटेड है और माननीय मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अपने बयान में जो कहा है कि भारत सरकार इसमें किसी भी प्रकार से पक्षकार नहीं है, भारत सरकार का कोई शपथ पत्र भी नहीं है, इसमें जो संवेदनशील तरीके से सरकार को निर्णय लेना चाहिए उसका उन्होंने आश्वासन दिया है, उसको वो आश्वस्त करे, इतना ही मैं निवेदन करना। धन्यवाद। माननीय रामविलास जी, प्लीज, ठीक है, प्लीज सतीश, यू विल गेट अपॉर्चुनिटी इन बजट एंड यू स्पीक ऑन दैट प्लीज। जितने नाम आए थे पहले मैंने उनको दे दिया बहुत पहले से, अब मैं नए नाम नहीं दे सकता। आई एम नॉट गोइंग टू इंक्लूड एनी न्यू नेम। आई डू रेस्पेक्ट मिस्टर पेरियार एंड ऑल दैट मूवमेंट, बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव। सिर्फ आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। माननीय रामविलास जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। मानी रामविलास जी खड़े हैं, आप उन्हें बोलने जाए। उपाध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है और पूरा देश, अब तो पहले चलिए SC ST का रिजर्वेशन था, मंडल कमीशन के संबंध में OBC का हुआ, फिर ऊंची जाति के 10% लोगों का हो गया, अब कोई समाज का वर्ग क्या कहते हैं इसमें छूटा हुआ क्या कहते हैं कि नहीं है, और सब लोग क्या कहते हैं कि शॉक्ड हैं। और मैं इस बात से, हम अपनी पार्टी की तरफ से मैं कहता हूं, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, कि मैं इस बात से दो चीज़ से तो मैं बिल्कुल सहमत हूं कि जुडिशरी में आरक्षण हो, इसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन जुडिशल सर्विस और हायर जुडिशरी में इंडियन जुडिशल सर्विस होना चाहिए, और इसको क्या कहते हैं कि एक्ट जितने भी और जो भी एक्ट है आरक्षण के संबंध में उसको संविधान के नामी सूची में क्या कहते हैं कि डालना क्या कहते हैं कि चाहिए। आपने जो बातें कही, सरकार एक काम करती है,
सरकार जो है सरकार होती है, न यूपीए की सरकार होती है, न एनडीए की सरकार होती है, भारत सरकार होती है। और यही कारण है कि दोनों सरकार इसमें इन्वॉल्व हैं। जो जब 2012 में हुआ तो यूपीए की सरकार थी, और 2000 अभी की जो बात कर रहे हैं वो एनडीए की सरकार है। और लेकिन जो पार्लियामेंट है वो सर्वोच्च है, और चार बार हमको इस बात का खुशी है कि चार बार संविधान में संशोधन हुआ। 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ, बीपी सिंह की सरकार थी, हम थे मंत्री थे, और उस समय में जब मंडल कमीशन लागू हुआ तो उसमें एससी एसटी का कहीं मामला नहीं था, पिछड़ा वर्ग का मामला था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप प्रमोशन में रिजर्वेशन 5 साल के बाद नहीं रहेगा, तो किसी का रिजर्वेशन तो था ही नहीं, एससी एसटी का ही था। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं, नरसिम्हा राव की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, पहला संशोधन क्या कहते हैं कि उनके सरकार में हुआ कि प्रमोशन में रिजर्वेशन रहेगा। फिर लोग सुप्रीम कोर्ट में चला गया कि प्रमोशन में रिजर्वेशन तो रहेगा लेकिन सीनियरिटी नहीं रहेगी। तब तक अटल जी की सरकार आ गई, मंत्री थे हम लोग, और उसमें जाकर के संविधान संशोधन हुआ कि नहीं, सीनियरिटी भी रहेगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में लोग चला गया और कहा कि सीनियरिटी तो रहेगा लेकिन रिलैक्सेशन नहीं रहेगा। फिर जाकर के संविधान में संशोधन हुआ कि नहीं, रिलैक्सेशन भी होगा। फिर उसके बाद लोग कोर्ट में चला गया, फिर कोर्ट ने कहा कि 50% से ज्यादा रिजर्वेशन ज्यादा नहीं होगा। फिर संविधान संशोधन हुआ और सब लोगों ने समर्थन किया कि नहीं, 50% नहीं हो लेकिन जो 100% क्या कहते हैं कि स्पेशल ट्रीटमेंट क्या कहते हैं हो सकता है। फिर उसके बाद नागराज गया कोर्ट में और उसने कहा कि ये जितने संविधान संशोधन हुए हैं जो सुप्रीम कोर्ट अभी कह रही है, ये सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स में क्या कहते हैं कि नहीं है, और इसलिए सब असंवैधानिक हैं। तो इसलिए मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ, हमारे साथी ने ठीक कहा कि क्या कहते हैं, ये तो समझौता हुआ था पूना पैक्ट के तहत। ये जो कह रहे हैं कि जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 चीज मांगा बैकवर्डनेस, तो बैकवर्ड तो है ही, शेड्यूल कास्ट का संबंध जो है वो तो अनटचेबल था, संविधान में पढ़िए, ये बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट के लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लासेस है। तो इसलिए सर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सीधी सी बात है, सरकार क्या कहते हैं, आपको मालूम है कि यही तरह का मामला हुआ था, एससी एसटी एक्ट का मामला, एक मिनट, एससी एसटी एक्ट का मामला आया था, सब लोग हल्ला कर रहे थे, और हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, 3 दिन के अंदर में एससी एसटी एक्ट को कैबिनेट में हम लोगों ने 8 तारीख को क्या कहते हैं 7 तारीख को पास किया, 8 तारीख को लोकसभा में पास किया, और 10 तारीख को जो है 9 तारीख 10 तारीख को यहाँ है हमारी सरकार। सुनिए प्लीज, वो प्लीज, मैं आ रहा हूँ ना, माने मंत्री जी, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, नाउ आई कंक्लूड, माने प्लीज, माने मंत्री जी, नाउ आप यू एड अध्यक्ष जी, इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, नथिंग इज गोइंग ऑन, घबराने की कोई बात नहीं है, हमारी सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, कोई सरकार आरक्षण को खत्म नहीं कर सकती है, और इस आरक्षण को कायम रखने के लिए जो भी करना होगा सरकार क्या कहते हैं करेगी। हम इस सदन को क्या कहते हैं कि हम विश्वास दिलाना चाहते हैं। माननीय मंत्री जी स्टेटमेंट प्लीज 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 माननीय उपसभापति जी प्लीज, जो आप माने माने बैठे, माननीय सतीश चंद्र जी प्लीज बैठे, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, माननीय मंत्री जी खड़े हैं बोलने के लिए। आप सबकी क्वेरीज के बाद माननीय नेता संसद कह रहे हैं, माननीय सतीश जी आप बैठे प्लीज, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, पुनिया जी अब आप बोलो। माननीय उपसभापति महोदय, नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड, अनेक माननीय सदस्यों ने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तारतम्य में जो परिस्थितियां निर्मित होने की आशंका है उनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मेरे पास उसका एक ही उत्तर है, मैंने पहले ही कहा, हमारी सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध है। इस देश इस इस इस
इस विषय पर उच्च स्तरीय विचार विमर्श के बाद उचित निर्णय करेगी, यही मेरा उत्तर है। थैंक यू। श्री नाउ वी मूव टू बजट। श्री रीता।